वो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे और मैंने सिलेबस देखा होगा और मैं एग्जाम की डिमांड को समझता हूँ, तभी मैं बोल पाऊंगा कि मेरी तरकश में इतने तीर हैं और वो वहां पे इस वाले तीर की जरूरत है। जैसे वो रामायण में कभी वो आग वाला तीर जाएगा, कभी पानी वाला तीर जाएगा जरूरत के हिसाब से, तो मुझे पता तो हो कौन कौन से तीर हैं मेरे। So hi everyone and welcome to another episode of Are There Grade B Topper series. Today with me is Mr. Vipin Tyagi. He has cleared this time the Are There Grade B 2022 examination, and not only cleared the examination, he has secured AIR 7 in this examination. So I would like to congratulate you Vipin and welcome to the channel. थैंक यू सो मच। So Vipin, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं ताकि आपके इस जर्नी के बारे में लोगों को पता चले कि हाउ ये सारा जो आपका पूरा जर्नी था ये कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। सो लेट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। तो आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे पाए तो। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मुरादनगर। मुरादनगर इज माई होम टाउन एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम HBTI कानपुर। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर गेट का एग्ज़ाम दिया। 16 में ऑल इंडिया रैंक 90 आई, तो BPCL और IOCL में मौका मिला। तो BPCL का ऑफ़र मैंने एक्सेप्ट किया, वहाँ पे 2 साल काम भी किया एज मैनेजमेंट ऑफिसर। उसके बाद 2018 में जॉब छोड़ी, एग्ज़ाम्स स्पेसिफिकली UPSC में अगर मैं बोलूँ तो उसकी मैंने तैयारी की कुछ समय के लिए, 20 तक करीब तैयारी की थी उसकी। और उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ी बीच में कुछ कारणों की वजह से, बीच में शादी हो गई, डॉटर हो गई। उसके बाद इस साल फिर मैंने एग्ज़ाम टारगेट किया UPSC ना टारगेट करके, सर मैंने RBI और CGL दोनों एग्ज़ाम टारगेट किए। इन द मीन टाइम मैं सेंट्रल GST देहरादून में वर्किंग भी हूँ, तो इस साल ये दोनों एग्ज़ाम दिए थे और इन दोनों में हो गया। अब RBI में हो गया तो CGL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये जर्नी रही है सर। सही। आई थिंक योर जर्नी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग विपिन। आई मीन यू स्टार्टेड फ्रॉम PSUs, देन बीच में आपने प्रिपरेशन करी UPSC की, देन फिर आप बीच में आप बता रहे हैं कि आपकी शादी भी हुई, देन यू स्टार्ट अगेन स्टार्टेड प्रिपरेशन। सो आई बिलीव कि फॉर अ पर्सन हु इज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड हु हैज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एज यू सेड नाउ यू हैव अ डॉटर, यस सर। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के पास एक कंप्लेंट रहती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, हम कैसे टाइम निकालें। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? मतलब आप वर्किंग भी हैं, चलो ठीक है वर्किंग है तो टाइम निकल सकता है, बट यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। एंड मैंने तो देखा है कि यार शादी के बाद तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरीके एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं, यस सर। तो यू कैन बी अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट कि कैसे वो सारी चीजें मैनेज हो रही हैं। हाँ सर, दो चीज़ें थी माइंड में जब मैं, मुझे ऐसा लगता था ना कि टाइम कम पड़ रहा है, तो आई वुड थिंक अबाउट दीज टू थिंग्स कि घंटे सबके पास 24 ही हैं, करने वाले कर जाते हैं, अब करना कैसे है बस ये क्वेश्चन है। मतलब इसमें डाउट नहीं था कि करेंगे तो होगा या नहीं होगा, करेंगे तो हो ही जाएगा, बस करने का राइट वे तक पहुँचने वाली बात थी। तो उसके लिए मैंने एक हैबिट डेवलप की है अपनी लाइफ में पिछले कुछ समय से, वो ये है कि उठने के विदिन 30 मिनट्स मेरे दिन का जो भी सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है मैं उसमें लग जाता हूँ। जैसे एग्जाम प्रिपरेशन में पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट काम था तो उसमें लग गया। अगर किसी और के लिए कुछ और, जो भी लाइफ का फेज चल रहा है जिसका भी जो भी है, तो मॉर्निंग में विदिन 30 मिनट्स उस काम पे लग जाएं और 2 से 3 घंटे 4 घंटे जब तक भी उसको एक अच्छा सा स्लॉट दे दें उस चीज़ को ना, तो फिर आपका दिन भी अच्छा जाता है और वो चीज़ें अचीव भी होती चली जाती हैं धीरे धीरे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी हुआ करती थी कि सुबह उठते देना है। और जैसे फैमिली के साथ मैनेज करने में एक चीज़ ये होती थी कि ऑफिस से थोड़ा सा लेट रुक के आ गए, ऑफिस में ही पढ़ाई करके फिर घर आ गए, क्योंकि अगर मैं 6 बजे ऑफिस से आ जाऊँगा, खाना वाना खाऊंगा तो फिर फैमिली के साथ घुल मिल जाऊंगा, तो फिर वो नाइट का जो स्लॉट है वो ख़राब हो जाता था कभी कभी। तो थोड़ा डिनर लेट हो गया, थोड़ा फैमिली टाइम कम हो गया, लेकिन पढ़ाई का स्लॉट वहाँ ऑफिस के बाद निकाल लिया। अब इसमें ये है कि थक गए दिन भर ऑफिस में काम करके, फिर हम पढ़ने बैठ रहे तो एनर्जी नहीं आ रही, तो ये तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन बॉडी हमारी वो मोल्ड हो जाती है, जैसे भी हम उसको ट्रेन करेंगे वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है बॉडी और माइंड। तो मैंने बेसिकली माइंड को ट्रेन किया उसी एटमोसफेयर में परफॉर्म करने के लिए। सो ये आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने बोली कि कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अगर हमें अपने गोल तक पहुंचना है तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा, राइट? सो आई थिंक ये काफ़ी मोटिवेटिंग है, मतलब सुन के भी बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आई कंग्रेचुलेट यू वंस अगेन ऑन दिस। सो अब अगर हम आ जाते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की तरफ विपिन, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 7 है जो कि ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, कहने की बात नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप अपनी शेयर करें फेज 1 फेज 2 की। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ऐसा नहीं सोचा था कि रैंक 1 या 7 लगी जाएगी।
पहले फेज वन पे फोकस था, मैंने बेसिकली एग्जाम को ना स्टेप्स में ब्रेक कर लिया था। एक तो 3 स्टेप्स हो ही गए ब्रॉड स्टेप्स, फेज वन, फेज टू एंड इंटरव्यू, उसके विद इन भी मैंने छोटी छोटी स्टेप्स बना ली थी, जिसको मैं बोलता हूँ डिकोडिंग द सिलेबस। जो पार्ट मेरे वीक है उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि वो भी मुझे दुख ना दे और मैं भी उन्हें ज़रा दुख ना दूँ, बस वो मुझे कट ऑफ पार कराने में मदद कर दें, और बिल्कुल इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आउट ऑफ 100% ही मार्क्स आ जाएँ। जो मेरी स्ट्रेंथ्स थी उनको मैं पॉलिश करता रहा लास्ट तक, कि उसको हाथ से नहीं जाने देना एग्जाम वाले दिन, क्योंकि वही मेरे लिए वो सिक्सर वाली बॉल थी, उसी पे दबा के सिक्सर मारने से। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग मेरे लिए सिक्सर वाली बॉल थी, तो उसको मैंने पकड़ के रखा स्टार्टिंग से ही। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैंने जितना भी टाइम मैंने अलॉट किया चीज़ों को, मैं स्टेप बाय स्टेप करता गया। फेज वन के लिए जब मेरे पास 35-40 डेज का टाइम था प्रिपरेशन करने का, तो मैंने जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरे लिए वो वीक एरिया भी था और वो टाइम डिमांड करता भी है ज़्यादा, जैसा वो टॉपिक है। क्यूआरई में ज़रा ज़रूरत नहीं थी प्रिपरेशन की, तो वो आसानी से हो गया था। जनरल अवेयरनेस में सर एक कोई भी प्राइमरी सोर्स हम लोग ले सकते हैं, कोई भी अच्छा मटेरियल आप ले लीजिए कोचिंग का, और उसमें से आपके इतने क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं कि आप कट ऑफ भी क्लियर कर लें जनरल अवेयरनेस के लिए, ओवरऑल कट ऑफ भी। बस सिंसियरली कोई एक सोर्स ज़रूर फॉलो कर लेना चाहिए, और उसको चाहे तो सप्लीमेंट भी कर सकते हैं सेकेंड सोर्स से। जैसे मैंने बैंकर्स अड्डा से सप्लीमेंट कर लिया था क्रैक ग्रेड बी को, अच्छा तो वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है, सप्लीमेंट करने की अगर नीड फील होती है कर सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस में सिर्फ इतना कहता था, तो टारगेट था कि कट ऑफ से कंफर्टेबली 10-15 मार्क्स ऊपर आ जाएं बस, और 90 या 100 मार्क्स लाने का टारगेट नहीं था फेज उनमें कभी भी। तो उतना ही हुआ, 63 कट ऑफ थी मेरे, लगभग 73 मार्क्स थे, तो जो सोचा वही पाया टाइप से रहा फेज वन में। फिर फेज टू की जब तैयारी करी तो डिस्क्रिप्टिव को पकड़ के रखा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मुझे यूपीएससी के टाइम पर आंसर राइटिंग भी करी थी, तो थोड़ा आइडिया था आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने 12 टेस्ट ही दिए थे फेज वन के बाद ना, तो ताकि मुझे पता चले कि कहीं मैं वीक हूँ तो फिर उन्हीं एरियाज पे मैं काम करूँगा। तो वो जो मैंने टेस्ट दिए थे 12 डिस्क्रिप्टिव, और कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दिए थे छोटे छोटे, वो आधे आधे घंटे के होते थे वो, तो उनको देख के मैं इसी समझ गया था कि डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे करना है उसके लिए भी मैं कुछ चीज़ें आज थोड़ी सी मैं फ़ोन में नोट भी करके आया हूँ, मैं अभी रास्ते में आता तो मैंने लिख लिए थे, जो कि मैं जो चीज़ें शेयर करूँगा वो भी मैं बता दूंगा। और उस तरीके से फिर फेज टू की तैयारी करी थी, जहाँ जहाँ वीक एरिया थे उन पर काम किया। फिर फेज टू भी जब हो गया था तो उसके बाद फिर लगा कि हाँ यार एग्जाम क्लियर हो भी सकता है, बिकॉज यही मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट काइंड ऑफ भी था, अच्छा ऑफिशियली थर्ड अटेम्प्ट था, लेकिन प्रिपरेशन पहली बार ही कर रहा था मैं इन सब ESI FM और इन सब चीज़ों की। तो फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैं सारी चीज़ें बहुत केयरफुली कर रहा था कि ऐसा ना हो कि फिर दोबारा एग्जाम लिखने का मौका ही ना कभी मिले, मौका ही नहीं बिकॉज मिलेगा। जनवरी में बर्थडे है, तो अगर एग्जामिनेशन की डेट अगली बार 1 जनवरी आती है नोटिफिकेशन में तो मैं दे सकता हूँ दोबारा, अगर 31 जनवरी आ गई तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो चीज़ थी माइंड में, तो मैंने इस अटेम्प्ट को उस तरीके से दिया कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो मुझे एकदम बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या है मेरे लिए, उसके हिसाब से मैं चलता रहा। करो या मरो वाली स्थिति थी आपके लिए कि भाई कर बिल्कुल लो या तो मर जाओ, तो आपने करा। आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने स्टार्टिंग में बोली कि आपने सिलेबस को पकड़ के रखा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस इन एनी एग्जामिनेशन, बी इट यूपीएससी और आरबीआई। यस सर, यस अगर हम सर। आरबीआई की भी बात करें तो वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस रिटन। हम लोग पढ़ते पढ़ते कई बार खो जाते हैं, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, और 3 दिन बाद ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच की एक जगह है ना, वो सिलेबस मॉडरेशन लाता है प्रिपरेशन में, गाइडिंग लाइट की तरह, वो लाइट हाउस की तरह काम करेगा कि हमें उस डायरेक्शन में चलते रहना है। तो वही जैसे मैंने बोला, सुबह उठते ही जो भी सिलेबस का पार्ट एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे वो पढ़ने की आवश्यकता है, मेरा वो वीक है या वो करंट अफेयर बेस्ड है, पढ़ना पड़ेगा, तो उसको मॉर्निंग में ही कर लेंगे, जो भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डे का। और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी लाइटर टॉपिक्स की तरफ मूव होती रहनी चाहिए, बिल्कुल ताकि ज़्यादा एनर्जी वाला टाइम उसको चला जाएगा ना, तो कॉन्फिडेंस वो दिन भर बना रहेगा और वो कॉन्फिडेंस स्पिल होकर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आएगा, बहुत तो वो भी सही। आराम से होते चले जाएंगे। तो इसलिए सिलेबस बहुत आई इंपॉर्टेंट है। थिंक आपकी जो स्ट्रेटेजी मैं सुन पा रहा हूँ काफी सॉर्टेड थी आई थिंक, और यही रीजन है कि आप मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े सर हो यस और चीजें जो है वो बिल्कुल सिंपली सॉल्व होती चली गई। यस आपके सर सामने प्रॉब्लम आया, आपने उसको सॉल्व किया, देन सेकंड, देन थर्ड। आई यस थिंक सर ये काफी जरूरी है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कि आपको सॉर्टेड होना पड़ेगा कि ओके दिस मच आई हैव टू स्टडी एंड इससे ज्यादा मुझे नहीं पढ़ना है। यस बिकॉज सर सिलेबस तो मतलब पढ़ने की तो कोई लिमिट है नहीं, लिमिट जितना नहीं मर्जी है पढ़ सर, सकते हो यस सर उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, राइट। एक चीज और आपने जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई थी कि आपने अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया, राइट। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट के लिए कि वो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करे रादर देन हर चीज को कवर करे, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम की एक पर्टिकुलर डिमांड है, चाहे वो RBI है, SEBI है, UPSC है, हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, तो अब इन दोनों का एक ऐसा ओवरलैप हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए।
स्ट्रेंथ्स ये रोल प्ले करती हैं कि जो भी एग्जाम की डिमांड है और जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम उसको पूरी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर लें उस डिमांड को फुलफिल करने में। तो वो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे और मैंने सिलेबस देखा होगा और मैं एग्जाम की डिमांड को समझता हूँ, तभी मैं बोल पाऊंगा कि मेरी तरकश में इतने तीर हैं और वो वहाँ पे इस वाले तीर की ज़रूरत है। जैसे वो रामायण में कभी वो आग वाला तीर जाएगा, कभी पानी वाला तीर जाएगा ज़रूरत के बिल्कुल हिसाब से। तो मुझे पता तो हो कौन कौन से तीर हैं मेरे पास, बिल्कुल और फिर बिल्कुल वो कुंभकर्ण को कहाँ मारना है, मेघनाथ को कहाँ मारना है, तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बिना तो यस कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। जैसे कि तो चलो अगर हम आपकी स्ट्रेंथ की बात करें तो व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ विपिन, जिस पे आपने पूरा दांव खेला कि ठीक है भाई ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता और इसी के बेसिस पे मैं ये एग्जाम क्रैक करने वाला हूँ, और ये यस आइडेंटिफाई कैसे करें? मतलब कि चलिए यस आपका तो यूपीएससी बैकग्राउंड था तो आपको पता था कि योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट वॉज योर स्ट्रेंथ, यस सर बट अगर मैं मान लो कि मेरे पास, मुझे अभी पता नहीं है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, तो ये मुझे पता कैसे चले? मतलब मैं बाकी एक्सपीरियंस के लिए पूछ रहा हूँ कि यस उनको सर कैसे आइडेंटिफाई करें वो लोग कि व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ। वो सर मॉक टेस्ट देके बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाएगा। मान लो मैंने फेज वन के 5 मॉक टेस्ट दिए, तो अगर मैं क्वांट सेक्शन में रिपीटेडली कट ऑफ के पास हूँ या फेल हो रहा हूँ, तो वो मेरी वीकनेस है। और रीजनिंग में मैं कट ऑफ से डबल स्कोर कर रहा हूँ हमेशा, मान लो कट ऑफ 15 मार्क्स जा रही है, मेरे 30-35 आ रहे हैं, तो वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ पे भी कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर बिल्कुल मान लो पजल्स मेरी स्ट्रेंथ है, एग्जाम के दिन हो सकता है वो पजल ना हो, और एक पजल नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, फिर वो मोटिवेशन डाउन होगा, फिर वो दूसरे सेक्शंस में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। राइट तो अपनी स्ट्रेंथ को भी एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलना है, बिकॉज हमें प्रिपेयर करना है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन अगर आ जाए मेरे लिए, या फिर एकदम ईजी एग्जामिनेशन आ जाए, दोनों केसेज के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर ईजी आ गया तो फिर कट ऑफ ओवर शूट कर जाएगी, तो वहाँ पर मुझे किस तरीके से सेफ गैसेज लेने हैं, और बिल्कुल अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तो कहाँ पर मुझे लीप ऑफ फेथ लेना है। तो वो एग्ज़ाम को जब आप मॉक देंगे ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मुझे कहाँ रुकना है और कहाँ तक जाना है। बिल्कुल तो उस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो विपिन अगर हम आपकी स्ट्रेंथ्स पे बात करें तो योर स्ट्रेंथ वाज आंसर राइटिंग बिकॉज यू हैव अ यूपीएससी बैकग्राउंड, जिसने ऑफ कोर्स हेल्प करी आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में और इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। यस सर तो माय क्वेश्चन विपिन इज कि ठीक है यू आर फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, सो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बोलते हैं कि सर यूपीएससी बैकग्राउंड के लोगों के पास तो एज होता है, तो दे आर लाइक कि दे दिस एग्जाम बिकम्स वेरी इजी टू देम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इज इट अ मिथ और समथिंग एल्स? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आई मीन क्या हाँ है ऐसा कि क्या आपके पास सच में कोई एज था? मैं आज नहीं आपसे सर, डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। सर मैं इसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि जिन्होंने यूपीएससी करा है उनके चांसेस बेहतर हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के, या कोई एज हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ सर्टेन स्ट्रेंथ्स उसने बंदे ने एक्वायर कर ली जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कुछ सर्टेन स्ट्रेंथ्स आपकी होंगी, आपने सपोज एमबीए किया है तो आपको वो मैनेजमेंट और फाइनेंस के कुछ टॉपिक्स ईजी लग जाएंगे मेरे से ज़्यादा। किसी की क्रैमिंग पावर बहुत अच्छी है तो उसको फेज़ वन का जनरल अवेयरनेस ईजी लग जाएगा। तो हर किसी को अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम तो करना ही है। ये एग्ज़ाम सबको एकदम खरी कसौटी पे एकदम तोलेगा, और वो यू हैव टू परफॉर्म ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी बैकग्राउंड है, बस उससे ये है कि प्रिपरेशन के आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मॉडिफाई होती चली जाएगी। किसी ने अगर यूपीएससी कर रखा है वो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा कम ध्यान देगा, किसी को रटना आसान लगता है वो ईएसआई के ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा कम टाइम देगा, उसका जल्दी हो जाएगा। मुझे देर बिल्कुल लगती थी ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ें करने में ना, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता था फिर तो। और जैसे डिस्क्रिप्टिव में सर, मैं कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा था हाँ कि मैं लिख के भी प्लीज लाया था, प्लीज प्लीज मैंने पहले सिलेबस के पॉइंट्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल इनकम पहला ही टॉपिक है ईएसआई के पेपर में, तो मैंने उसके बारे में पहले प्रॉपर डेफिनेशन सोच ली कि अगर डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, तो मैं ये डेफिनेशन लिखूंगा। वहाँ पे जाके सोचना ना पड़े, क्योंकि टाइप भी करना होता है वहाँ पे। राइट और अगर वो ऑब्जेक्टिव में आ गया क्वेश्चन, तो वो ऐसा पूछ सकता है कि फिर वो डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, फिर वो ये पूछ सकता है कि टैक्सेस और सब्सिडीज क्या ये नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में काउंट होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर मुझे प्रॉपर डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला याद है तो वो सोचना नहीं पड़ेगा, मैं वहाँ पे उसको फटाक से टिक कर दूंगा। तो बिल्कुल जो भी एकदम ऑब्वियस एकदम बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं ना किसी भी टॉपिक से, उनको मैं पहले ब्रेनस्टॉर्म करके गया था जब मैं सिलेबस की तैयारी करता था। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो सिलेबस से फेमिलियरिटी होती है, दूसरा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जामिनेशन के और एक स्टेप और क्लोजर जा रहे हैं बिल्कुल जो एग्जाम पूछना चाह रहा है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है नेशनल इनकम का बजटरी डेटा के बेसिस पे, 17-18, 18-19, वो घट रहा है या बढ़ रहा है, और हमारे जो नेबर्स हैं जैसे बांग्लादेश का पर कैपिटा नेशनल इनकम ज़्यादा है इंडिया से, तो इस टाइप के फैक्ट पता होने चाहिए। नहीं तो हम अगर कॉमन सेंस से जाएंगे तो शायद एग्जाम में हम उल्टा लगा के हैं कि नहीं इंडिया का यस ज़्यादा है, यस तो वो पर कैपिटा बांग्लादेश का ज़्यादा है। तो इस टाइप का कुछ भी अगर न्यूज़ आया करंट अफेयर में, तो वहीं पर नोट्स में ना छोटा सा ऐड कर लिया नेशनल इनकम वाले टॉपिक में ही,
तो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव में आंसर राइटिंग भी लिखूंगा उसमें मैं बीच में मेंशन भी कर सकता हूँ कि हालांकि इंडिया इतना बड़ा देश है, पीपीपी टर्म्स में हम लोग थर्ड हैं, जीडीपी टर्म्स में हम लोग टॉप 5 में हैं, बट फिर भी पर कैपिटल नेशनल इनकम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टॉपिक है SDGs का, तो उसमें मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स को यूज़ किया था। जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते ही हैं स्कीम से जो ये से ऑब्जेक्टिव में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में स्कीम्स को कैसे यूज़ किया जाए, जैसे वाटर के ऊपर है टॉपिक SDG में ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो उसके साथ मैंने जल जीवन मिशन स्कीम का थोड़ा सा डेटा याद कर लिया। यस डेटा भी ना याद हो, कम से कम स्कीम का स्टेटेड पर्पज़ क्या है वो ही लिख के आ जाएंगे तो भी मेरे ख्याल से मार्क्स मिल जाएंगे राइट डिस्क्रिप्टिव में। राइट तो ऐसे जो मेन मेन SDGs हैं उनके अलॉन्ग प्रिपेयर कर लिया। एक माइग्रेशन का टॉपिक आता है, पॉपुलेशन माइग्रेशन, तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो उसमें रेवेन्स टीम की थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज आती है स्टूफर की, तो ये मैंने वहाँ से थोड़ा सा अपना इम्पोर्ट कर लिया। ऐसे हर कोई अपने अपने बैकग्राउंड से इम्पोर्ट कर सकते हैं राइट राइट डेटा को ना। और कुछ मैं कंक्लूजन्स प्रिपेयर करके गया था, स्टैंडर्ड कंक्लूजन, जैसे अगर एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आए कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या सपोर्टिंग रोल रहा है पिछले कुछ सालों में, या फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं, तो उसके कंक्लूजन में एक अशोक दलवाई कमेटी थी, उन्होंने डबलिंग द फार्मर्स इनकम बहुत फेमस हुआ था उनका, बिल्कुल तो वो हमने याद कर दिया। तो एग्जाम में वो कंक्लूजन सोचने का जो वो प्रोसेसिंग वाला पार्ट था ना वो हट गया, तो उतना मेरा टाइम सेव हो गया, कुछ 15 सेकंड 20 सेकंड, और अच्छा बिल्कुल कंक्लूजन भी मेरे पास प्रिपेयर है, तो आधा नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकता है तो कॉम्पिटिशन ही, दूसरों से बस थोड़ा थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते जाना हर स्टेज में हर क्वेश्चन में, और वो हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें की सही थी सर। आई थिंक भैया, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, अपने लक्ष्य पे पहुंच ही जाओगे एक यस दिन। सर। राइट, सो विपिन, अब बात कर लेते हैं थोड़े से इंटरव्यू की। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एक्चुअल इंटरव्यू, और थोड़ा सा आप अपने प्रिपरेशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि यस सर। व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू फॉलो फॉर द इंटरव्यू एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द एक्चुअल इंटरव्यू। इंटरव्यू प्रिपरेशन में सर 3 पिलर्स पे बेसिकली प्रिपरेशन बेस्ड होती है। पहला है हमारी प्रोफाइल, प्रोफाइल से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिकॉज वो फिर क्राइम हो जाएगा इंटरव्यू में बिल्कुल ना, सही बात है। तो प्रोफाइल अच्छे से प्रिपेयर करनी है अपनी। दूसरा काम करना है हमें RBI के बारे में ठीक से पढ़ना है, तो उसके लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है RBI फंक्शंस एंड वर्किंग, करीब 200-250 पेज का डॉक्यूमेंट है वो, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ पाया था, बट जितना पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो जितना मैं पढ़ पाया, जो चैप्टर्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो तो मैं पढ़ ही गया था उसके बारे में, क्योंकि आप और उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। राइट और तीसरी चीज़ है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैं 3 पेपर पढ़ रहा था, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मिंट, तो अच्छा करंट अफेयर वहाँ से चल रहा था। बाकी कोई टॉपिक की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिंट में मैंने कुछ पढ़ा वो समझ में नहीं आया या और क्लियरिटी, तो गूगल कर लिया उन टर्म्स को। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में खैर तो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, हर कोई ऐसे ही करता है, लेकिन एक मैं बहुत यूनिक चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस हुआ इंटरव्यू में, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। एक ऐसी प्रॉब्लम आई जो मैंने सोची नहीं थी, और वो फिर बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी। वो ऐसी थी कि जब मैंने पहले अपना प्लान बनाया कि हाँ भाई 30 डेज़ का टाइम है इंटरव्यू के लिए, तो ये चीज़ें करनी है हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, ऐसे रिवाइज़ करना है। रोज़ सुबह मेरे कुछ टारगेट्स होते थे कि आज ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। दिन ख़त्म होते होते वो 5 टॉपिक भी पूरे नहीं होते थे और 5 टॉपिक नए ऐड हो जाते थे मेरी लिस्ट अच्छा में, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा उस पर और क्लैरिटी चाहिए, उसे गूगल करा, वो लिंक में से लिंक बनता चला गया और सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इस टाइप की मेरे को प्रॉब्लम आई इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ना, मैंने कहा ऐसे तो तैयारी जो है वो एवर एक्सपेंडिंग हो जाएगी, वो बिग बैंग थ्योरी, हबल टेलीस्कोप राइट बोलता है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग टाइप से। तो मैंने फिर अपने दोस्त से कंसल्ट किया, उसने लास्ट ईयर इंटरव्यू दे रखा था, वो 20 बार दे रहा था, उसकी AIR 8 है राजेंद्र बिष्ट की, तो अच्छा उससे मैंने कंसल्ट किया, वो मेरा प्रिपरेशन में फ्रेंड था, तो उसने बताया कि लास्ट ईयर उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, जब वो फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस था, तो उसने अपने सोर्सेज को लिमिट किया, पहले तो अपनी प्रोफाइल को लिमिट कर लिया, फिर प्रोफाइल से थोड़ा बहुत एक्सटेंशन RBI की तरफ, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन करंट अफेयर की तरफ बस, और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है चीज़ों में, बस प्रोफाइल को पकड़ के रखना है, उसने मुझे ऐसा बताया। तो फिर मैंने उसी लाइन पर प्रिपरेशन करी, ये सब छोड़ के मैं पहले प्रोफाइल पाया, प्रोफाइल कंप्लीट करी अपनी, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर और ये RBI डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे जितना होता रहा उतना मैं करता रहा, वेबसाइट के थ्रू, RBI की इन सोर्सेज के थ्रू। तो ये तो प्रिपरेशन थी, और एक्चुअल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, काफ़ी रिलैक्स एटमोसफेयर था। स्टार्टिंग में एक मैंने थोड़ी कोशिश की थी ऐसे क्विक क्वेश्चंस करने की, और क्विक जवाब चाहिए उनको, थोड़ा सा शायद डिसेटलिंग करने का उनका प्लान था या मैं ही हो रहा था थोड़ा सा ग्रिलिंग करने का ग्रिलिंग प्लान कर, होगा उनका कि हाँ थोड़ा सा ग्रिल करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में कैसा था, बाकी सब बोर्ड मेंबर्स काफ़ी कॉर्डियल थे। तो एज एक्सपेक्टेड पहले मेरी प्रोफाइल पे ही क्वेश्चन थे, मैंने BPCL छोड़ा, पहले IIT दिल्ली से MTech भी छोड़ चुका था मैं, पहले वो छोड़ा, फिर BPCL छोड़ा, फिर ये जॉब कर रहे हो, अब इसको छोड़ना चाहते हो, बीच में UPSC भी जाके आ चुके हो U-turn लेके, और अब RBI में आना चाहते हो, तो हाउ डू यू जस्टिफाई ऑल दीज लाइफ चॉइसेस, जैसे करके 2-4 क्वेश्चन थे उसमें, तो वो सबको रेडी रहना पड़ेगा अपने प्रोफाइल के हिसाब से। फिर क्वेश्चन थे कि अपनी हॉबीज़ और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स पे, तो
आपने वो अवार्ड लिया था, तो वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि आप कितने जेन्युइन हो, जो आपने चीज़ करी आपको वाकई में इंटरेस्ट था, कि आप वाकई में उसके बारे में जानते हैं या नहीं चीज़ें, वो ये जानना चाहते हैं। तो उसमें ऑनेस्ट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी रहना है, कुछ भी ऐसा नहीं पोर्ट्रे करना अपने आप को जो हम नहीं है, वो पकड़ लेंगे एक मिनट में, बिल्कुल पकड़ लेंगे, क्योंकि जितनी हमारी उम्र नहीं है उतना उनको उतना उनका एक्सपीरियंस होता एक्सपीरियंस है, वो है। पकड़ और लेंगे। आरबीआई बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो दे आर रियली वेरी सीरियस अबाउट कि कौन आ रहा है अंदर और कौन कैसा काम कर रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्लेम्ड, तो उसमें एकदम आपको खुद को पोर्ट्रे करना है। और फिर वो वाले क्वेश्चंस हो गए प्रोफाइल वाले, अवार्ड्स अचीवमेंट वाले, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं आरबीआई के बारे में, खासकर इनोवेशन पर आजकल काफ़ी ध्यान है आरबीआई का। तो उन्होंने पूछा कि आरबीआई क्या क्या इनोवेशन फील्ड में क्या कर रहा है, मैंने स्टार्ट किया यूपीआई से, वो लेकिन थोड़ा पुराना न्यूज़ है, मुझे बोलते ही रियलाइज़ हो गया था कि यूपीआई थोड़ा पुराना हो गया, 2016 की चीज़ हो गई। तो फिर मैंने उसको सप्लीमेंट करा, यूपीआई 1.2.3 आया था इस बार फरवरी मार्च में, वो फीचर फोन यूजर्स के लिए, और यूपीआई लाइट आया था मेरे इंटरव्यू से करीब एक हफ्ते पहले, वो अप टू 200 रुपीज़ के टोकन ट्रांजेक्शन ऑफलाइन मोड में करने के लिए। तो वो मैं करके गया था, और उसमें भी जैसे ऐसा होता है ना कि 200 रुपीज़ के टोकन ट्रांजेक्शन इन नियर ऑफलाइन मोड, तो जो नियर टर्म है ना वो अक्सर मिस हो जाती है। तो इंटरव्यू की तैयारी में मैं इन चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा था कि क्या क्या कैच पॉइंट बन सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उसी में से अगला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नियर ऑफलाइन का क्या मतलब है, राइट या अगर मैंने वो नियर वर्ड यूज़ नहीं करा तो बोलेंगे अच्छा इज इट कम्प्लीटली ऑफलाइन। तो इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रिपरेशन ना ऐसे बारीकियों पर चलती है, कि वहाँ आपको आप खुद को विजुअलाइज कर रहे हैं आंसर देते हुए, मैंने ये बोला तो उन्होंने क्या पूछा टाइप से, तो वो ऐसा हो जाता है सहज। फिर तो आरबीआई के बारे में उन्होंने पूछा, फिर किसान क्रेडिट कार्ड डिजिटाइजेशन के बारे में पूछा, वो भी एक हफ्ते पहले ही पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था आरबीआई की वेबसाइट पे, मैंने पढ़ा था, तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए थे। फिर लास्ट में मेरा जो मैं जीएसटी में वर्किंग हूँ तो उस पर क्वेश्चन आए कुछ, जीएसटी पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। एक दो क्वेश्चन थोड़े ऐसे भी थे जो मुझे नहीं आते थे पहले, जैसे उन्होंने पूछा कि सेंट्रल बैंक को एल्केमिस्ट क्यों कहा जाता है, तो ये मैंने कभी पहले सुना नहीं था। तो मैंने उनको ऑनेस्टली बता भी दिया कि सर पहले कभी सुना तो नहीं है, बट विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू टेक एन अटेम्प्ट। तो उन्होंने अलाउ किया तो मैंने अटेम्प्ट लिया, तो उनको ठीक लगा वो अटेम्प्ट। तो ऐसे करके फिर इंटरव्यू खत्म हो गया, 6 में से 4 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा चेयरमैन सर ने नहीं पूछा था, तो ऐसे चला इंटरव्यू सर। ठीक है। आई थिंक इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी में भी अगेन आपकी पूरी जर्नी से मुझे एक चीज सीखने को मिली है कि बहुत सॉर्टेड है आपकी स्ट्रैटेजी, बहुत सॉर्टेड है आपका प्रिपरेशन। आई थिंक हमारे जो एस्पिरेंट्स अभी आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनको भी ये चीज़ सीखने को मिलेगी आई होप। तो विपिन, चलते चलते कुछ आखिरी रिकमेंडेशन, आखिरी मैसेज जो आप हमारे अभी के जो एस्पिरेंट हैं उनको देना चाहेंगे, कुछ सजेशंस आपको जो लगे कि हाँ आपकी जर्नी में ये चीज़ हुई तो आप आने वाले एस्पिरेंट्स को कोई सजेशन देना चाहेंगे। अभी क्योंकि अब सक्सेस मिल गई तो पीछे मुड़ के देख के कहना बहुत आसान है कि मैंने ये किया था और ये इस तरीके से हो गया था, लेकिन जब हम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स वी आर नॉट श्योर कि कौन सी चीज़ हाउ इट विल वर्कआउट फॉर मी इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। जैसे इस बार ये ऐसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा आ गया था, तो मैं बोलूँगा कि कुछ भी चीज़ें जो रोड ब्लॉक है ना हमारे माइंड में, कि मैं यूपीएससी से नहीं हूँ, या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, या मेरा मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, या मेरा तो लास्ट ही अटैम्प्ट है, तो उन सब रोड ब्लॉक्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने प्रिपरेशन को बहुत ही सहज सिंपल और स्मूथ वे में आप चलता रहने दें, और क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वी कैन डू एज एन एस्पिरेंट। बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, अगर मैं दोबारा एग्जाम दूंगा सेम स्ट्रेटेजी के साथ तो हो सकता है इतने मार्क्स ना आए, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल सेम चीज़ें हमेशा उस तरीके से वर्कआउट करें ना करें। तो हमें जो सही लग रहा है सिलेबस के हिसाब से, प्रीवियस पेपर के हिसाब से, उसको एकदम सिंपल वे में करते रहें, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें और रोड ब्लॉक्स को इग्नोर करें। सो आई थिंक विपिन, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मुझे चलते भी सर, चलते ये थैंक यू, बुक थैंक है मेरे पास जो कि मैं आपको गिफ्ट यू, करना थैंक चाहूँगा, यू सो एंड मच ऑल सर, द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस आरबीआई जर्नी। यस थैंक यू सर, सो गाइज, दिस वॉज मिस्टर विपिन त्यागी फॉर अस। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट। आई हैव पर्सनली लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज स्ट्रैटेजी। मैंने काफ़ी सीखा इनसे अभी, क्योंकि जो इनका एक बहुत ही सिंपल तरीका है चीज़ों को टैकल करने का, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस आरबीआई ग्रेट बी टॉपर्स इंटरव्यू। टिल देन कीप वॉचिंग अनुजिंदल.in। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।